नमस्कार दोस्तों, मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे कि कोई ऐसा कैरियर बताओ या कोई ऐसी तरीका बताओ जिससे कि हमारी जीवन शैली में खुशहाली आए, या हम ऐसा कौन सा बिज़नेस करें जिससे कि हम एक स्टैंडर्ड में, एक रिच लेवल में पहुंच सकें। इसके मैं छोटे से दो एग्जांपल दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। देखिए, मान लीजिए एक रिक्शे वाला है, ये रोज़ के 400 रुपए बना रहा है, इस तरह महीने के इसके बन जाते हैं लगभग 12,000 रुपए। अब इन 12,000 रुपए में से वो 2,000 रुपए अपने घर का किराया देता है, 6,000 रुपये में वो अपने घर की दाल रोटी, खाना पीना, राशन पानी ये सब में इस्तेमाल करता है, हो गए 8,000। अब इसके अलावा उसको अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह देनी है या छोटे मोटे रिचार्ज करानी है, इन सब में मिला के वो लगा देता है 1,000 रुपये, ये सब हो गया मिलके 9,000 रुपये। अब इसके पास 3,000 रुपये बचते हैं, ये रिक्शे वाला इस 3,000 रुपये में से 1,000 रुपया तो अपने पोस्ट ऑफिस में जमा करा देता है और 2,000 रुपये वो अपने बैंक के एक इमरजेंसी जो उस बैंक है उसमें जमा करवा देता है। अब इसकी बचत जो हो जाती है वो हो जाती है लगभग 3,000 रुपये पर ईयर, टोटल मिला के हुआ 12,000 एक और 24,000 एक, 36,000, ये साल की 36,000 रुपये बचा रहा है। अब यहाँ आ जाइए एक 45,000 कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर, जिसे अपनी हाई सोसाइटी में रहना है, अपना दिखावा करना है कि मैं रिच हूँ, सो इसका खर्चा जो है वो देखते हैं। इसका मान लीजिए रेंट है तो ये रेंट होगा इसका 15,000, कार ली है तो कार का इंस्टॉलमेंट होगी 10,000। अब कार है तो पेट्रोल भी होगा, उसकी सर्विस भी होंगी, सो उसमें लगा लेते हैं 4,000, महीने का इसका राशन लगा लेते हैं 10,000। इसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सो इसकी हम बच्चों की फ़ीस वगैरह मिला के लगा लेते हैं कम से कम 2,000 रुपये। अब क्योंकि ये हाई सोसाइटी में है, इसके पास टीवी भी है, सो केबल भी है, फ़ोन भी है, इस तरह से इसको पार्टियाँ भी करनी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इसमें लगा लगा के ये मिला के हो गए 4,000। बचा क्या? सारा का सारा लग गया 45,000। इल्ज़ाम देगा कि सरकार लूट रही है। सो कैरियर से ठीक है, कैरियर आप अपना बनाएं, लेकिन कैरियर से किसी का जीवन संतुलित नहीं होता, बल्कि संतुलित जीवन और खुशहाल जीवन जीने के लिए आपकी जीवन शैली को जीने का, आपको जीवन जीने का जो सही ढंग है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ का बैलेंस बिठाएं कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों, हमारी बचत भी होती रहे। क्योंकि कहते हैं पैसा, पैसा कहता है आज तू मुझे बचा, कल मैं तुझे बचाऊंगा, बेशक मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब तक तू नीचे है मैं तुझे बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा। सेव मनी एंड एन्जॉय योर लाइफ। उम्मीद है छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।